Well, hello to everyone. Today in the last part of total productive maintenance, I will be discussing the pillars of TPM and what are the problems that are being faced while implementing TPM. As you can see in the slide, I have shown you an image consisting of a house in which pillars of TPM are mentioned. देखें सबसे नीचे आप 5S एक कंसेप्ट लिखा है. ये 5S बेस पर इसलिए है क्योंकि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है पिलर्स ऑफ TPM में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम ऑल. तो ये पहला हमारा पिलर है TPM का. उसके बाद हमारे पास है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जापानीज इसको बोलते हैं जीशू हॉजन. थोड़े नाम इस तरह के हैं, जापानीज टर्म है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोगों ने किया है. उसके बाद तीसरा हमारा पिलर है कोबेत्सुकू काइजन. देन कम्स प्लांट मेंटेनेंस, देन क्वालिटी मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, ऑफिस TPM, और लास्ट एट्थ पिलर हमारा है सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. हर एक पिलर को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि पिलर्स ऑफ TPM के अंदर जो ये 8 पिलर हैं इनके मतलब क्या हैं, क्या इनका यूज़ है. सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा 5S से. 5S के आगे हमने लिखा है हाउस कीपिंग सिस्टम, क्योंकि ये एक तरीके से हाउस कीपिंग एक्टिविटी है. एक हाउस कीपिंग एक्टिविटी में आप अगर इमेजिन करें खुद को, तो जिस तरह से आप अपने आप को हाउस कीपिंग एक्टिविटी में देखते हैं, इसी तरह से 5S इंडस्ट्री में अपने आप को देखता है. अब हाउस कीपिंग एक्टिविटी में क्या आता है, यू आर ऑलवेज़ एडवाइज्ड कि आप अपने कपड़े प्रॉपर शेल्फ में रखें. जो किचन का सामान है, मॉम्स यूज़ टू फॉलो दिस. वो उनको पता होता है कि शुगर किधर है, चाय की पत्ती किधर है, वेरियस जो ये मसाले हम लोग यूज़ करते हैं कि कौन सा किस जगह रखा है बेसिकली. तो हाउस कीपिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ऑल दीज एक्टिविटीज़. इसी तरह से 5S है. 5S इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय इंडस्ट्रीज़, उसका भी यही मकसद है. ये 5S जो हैं, इनका एक एक एस का मीनिंग है जापानीज टर्म में, उसको इंग्लिश टर्म में मैं आपको बताऊंगा. पहला एस का मतलब है सीरी. सीरी इन इंग्लिश मींस सॉर्टिंग. सॉर्टिंग से यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं, यू हैव टू सॉर्ट आउट द अननेसेसरी आइटम्स इन द वर्क प्लेस एंड डिस्कार्ड देम. जिस तरह से घर की एक्टिविटी है, जो भी आपके अननेसेसरी, जो आपके यूज़ में ना आने वाले कपड़े हैं, शूज़ हैं, अदर पार्ट्स हैं, आप क्या करते हैं, उनको सॉर्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको डिस्कार्ड कर देते हैं घर से. तो पहला एस भी यही कहता है, जिसका नाम है सीरी इन जापानीज टर्म. यू हैव टू सॉर्ट आउट द अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम योर वर्क प्लेस एंड डिस्कार्ड देम. दूसरा एस का मतलब है सीशन. सीशन मतलब सिस्टमाइज. अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. आपके पास हर एक चीज़ के लिए जगह होनी चाहिए और हर एक चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए. दिस एक्टिविटी योर मॉम स्कॉल्ड्स यू ऑफन, इवन वी गेट समटाइम्स दिस काइंड ऑफ स्कॉल्ड कि आपने बेटा ये क्लोथ यहाँ पे क्यों रख दिया, ये तो इस जगह होना चाहिए था. सो दिस ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर बींग परफॉर्म्ड इन हाउस. बड़े आसानी से हम ये 5S समझ सकते हैं. इन विच सीटन मीन्स सिस्टमाइज. सिस्टमाइज मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज शुड बी इन इट्स प्लेस. यू हैव टू अरेंज दिस. देन थर्ड एस स्टैंड्स फॉर सीजो. सीजो मीन्स क्लीनिंग. यू हैव टू क्लीन योर वर्क प्लेस कंटिन्यूसली टू एंश्योर नो डस्ट ऑन द मशीन एंड इक्विपमेंट इज देयर. वी हैव सिकेत्सु. सिकेत्सु मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन. यू हैव टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाउस कीपिंग एंड वर्क प्लेस एट ऑल टाइम्स. देन लास्ट कम शितुसुके. शितुसुके मीन्स डिसिप्लिन. यू हैव टू ट्रेन द पीपल्स टू फॉलो गुड हाउस कीपिंग एक्टिविटीज ऑटोनोमसली. तो ये 5S अगर अपने हाउस कीपिंग एक्टिविटी से आप रिलेट कर लें तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे. फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सॉर्ट आउट द अननेसेसरी आइटम. देन यू हैव टू अरेंज. अरेंज मीन्स यू हैव टू सिस्टमाइज. There should be a place for everything and everything should be in its place. Then you have to continuously clean your workplace
You have to standardize, you have to maintain the standards of housekeeping at all time. When you are able to maintain the standards, then last thing is you have to discipline. You have to be self-disciplined. You have to train others also to follow good housekeeping activities. So this 5S is a Japanese concept of industries. Next pillar is autonomous maintenance, which in Japanese mean Zishu Hozen. So what are the various steps that are being taken care? I have mentioned here. First step is preparation of your employees. You have to prepare your employees, you have to train them, you have to educate them about this maintenance activity and need of maintenance. Then in the initial phase, you have to clean up your old machines. These pillars are interrelated actually, but these steps are being different. The objective is to improve, continuously improve. Then you have to take countermeasures. You have to fix the tentative JH schedule. JH here stands for Zishu Hozen. You have to go for general inspection. You have to go for autonomous inspection and then go for standardization. Autonomous inspection is like कि एक एम्प्लॉय ने सेल्फ खुद से कोई इनिशिएटिव लिया, कोई मेंटेनेंस प्रोग्राम बनाया एंड ही और शी इज़ फॉलोइंग दैट प्रोग्राम इन द वर्क प्लेस. इस तरह के इंस्पेक्शन टेक्निक्स भी होती हैं. स्टैंडर्डाइजेशन मैंने आपको जैसे अभी बताया, स्टैंडर्डाइजेशन मींस यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स एट ऑल टाइम. सो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ Zishu Hozen दैट वन शुड फॉलो. Very important pillar, Kaizen. Kaizen is a Japanese term again, where Kai means change and Zen means good. So change for good, change for the better, change for the improvement. Kaizen believes that it is for small improvements which are carried out on continual basis. छोटे छोटे improvements हम लोग करते हैं जो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है एंड इट इन्वॉल्व्स ऑल द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. काइजन फोकस इज ऑन स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स ऑन कंटिन्यूअल बेसिस एंड इट इन्वॉल्व्स ऑल द पीपल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पीपल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. एंड इट इज सीन that a very large number of small improvements are more effective in an organizational environment than a few large improvements. आपके छोटे छोटे improvements अगर वो बहुत सारे number में हैं, they are more effective, they are found more effective as compared to few efforts of large improvements. This Kaizen is aimed at reducing the losses in the workplace that affect our efficiencies. सो जितने भी लॉसेस हैं, जितना भी हमारा वर्क प्लेस के अंदर वेस्ट है, उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं काइजन को इम्प्लीमेंट करने के बाद. दीज आर द वेरियस टूल्स दैट काइजन हैज गिवन. वी हैव वाई एनालिसिस, वाई दिस इज हैपनिंग, यू हैव पुट इट देयर. फिर आप जाएंगे, ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम, व्हाई दिस प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, यू विल अगेन पुट अ क्वेश्चन मार्क देयर एंड फाइंड आंसर्स फ्रॉम योरसेल्फ, फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडस्ट्री. देन व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पार्ट ए इज़ हैपनिंग. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्री फॉर्मेशन. दिस वे यू कैन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ लॉसेस. We have second Poka Yoke technique. It is a Japanese term, Poka Yoke, which in English means mistake proofing or error prevention. Then we have a summary of losses. We identify what are the various sources. Where are these sources of losses? You make a summary of all of them. Then we have a proper Kaizen register, which is maintained on continual basis. We have Kaizen summary sheet. At last we evaluate and we see
what kind of losses we are able to reduce. I hope this Kaizen concept, as it is one of the pillar of TPM, is clear to you all. We have fourth pillar, that is planned maintenance. So in the types of maintenance, in the last lecture I have discussed the four types of planned maintenance that an industry follow: breakdown maintenance, preventive maintenance, corrective maintenance and maintenance prevention. You can go through my lecture of types of maintenance for understanding this planned maintenance. We have quality maintenance. Quality is, as I had always discussed, it is customer delight, customer satisfaction. So quality maintenance is aiming towards customer delight through highest quality. Here the focus is on eliminating non-conformances in a systematic manner. Non-conformances are related to customers, non-conformance, non-customer requirements. ऐसी जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें जो requirement में नहीं आती हैं customer की, we have to focus on eliminating all those and that too in a systematic manner. We have to gain understanding of what parts of the equipment affect product quality. That means आपकी understanding इतनी होनी चाहिए and it should be like you must be able to know what parts of the particular equipment are affecting your product quality. So all these activities come under quality maintenance program. The transition here in quality maintenance program is from reactive approach to proactive approach. It is very important. I had highlighted it, quality control to quality assurance. Reactive approach means आपने कोई product बनाया और customer को दे दिया, कस्टमर से फीडबैक आया तो आपने उसमें चेंज किया. बट प्रोएक्टिव अप्रोच मीन्स कि यू मस्ट बी एबल टू नो एंड रीड द कस्टमर रिक्वायरमेंट बिफोर एक्चुअली मेकिंग द प्रोडक्ट. दैट इज समथिंग प्रोएक्टिव. नेक्स्ट पिलर इज ऑफिस टीपीएम. वेल, इट इज नोन दैट इट शुड बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर एक्टिवेटिंग अदर फोर पिलर्स ऑफ टीपीएम: autonomous maintenance, kaizen, quality maintenance and plant maintenance. So office TPM को आप starting में बिल्कुल नहीं शुरू करें, पहले आप इन चार activities को focus कर लें: plant maintenance, kaizen, quality maintenance and autonomous maintenance. Then only you will be able to implement it. It must be followed to improve the productivity and efficiency in the administrative functions and identify and eliminate losses. All the administrative functions are being taken care and we follow this office TPM to improve the productivity and efficiency of this particular administration. It includes analyzing processes and procedures towards increased office automation. So in office TPM we follow the practices, we follow the processes which results in the increase of automation in the office. So we rely on automation. Last, safety, health and environment. It is one of the pillar of TPM where we have a target to have zero accident in the workplace, zero health damage and zero fires. So with this target TPM works: zero to accident, zero to health damage and zero to fires. The focus is on to create a safe workplace for employee and a surrounding area that is not damaged by our process or procedures. ऐसा ना हो कि आप TPM implement करते करते safety को concern में ना लें. You have to see that the procedures or processes that are being followed by you while implementing the TPM, they must be friendly to the human beings. I hope all the pillars of TPM quite clear to you all in detail. There are several difficulties which are being faced in implementation of TPM. Difficulties har jagah hoti hain and humans jahan par hain wahan difficulty hoti hi hai. There are exceptions always. People show strong resistance to change. Ye sabse badi challenging point hoti hai. Even you are ready to educate, you are ready to give trainings to your employees, but they have a strong resistance to change. They will argue with you, they will not be able, they are not going to
गेट themselves रेडी टू चेंज. सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनको कैसे बदलें, उनको एक सोच में कैसे डालें कि TPM इम्प्लीमेंट करना है, इसके क्या नीड है, क्या इससे हमें फ़ायदा मिलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो समझाने में थोड़ा समय लगता है. पीपल ट्रीट इट एज जस्ट अनदर प्रोग्राम ऑफ द मंथ एंड ऑल्सो डाउट अबाउट द इफेक्टिवनेस. जब आप लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, यू नीड टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी, यू वॉन्ट टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो कभी कभी लोग ये सोचने लगते हैं कि ठीक है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट, दे आर अनाउंसिंग इट, बट हो सकता है कि जिस तरह से और प्रोग्राम आए, एक महीने के लिए सर्वाइव किए और चले गए. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ दैट थिंग. बट TPM नीड्स टाइम एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच रिलाई ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. इनसफिशियंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथडोलॉजी एंड फिलोसफी बाय मिडिल मैनेजमेंट, नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. अगर मिडिल मैनेजमेंट में जो लोग हैं दे आर द बैकबोन्स ऑफ द इंडस्ट्री ऑल्सो, अगर वो लोगों के पास इसकी नॉलेज नहीं है, फिलोसफी को समझने के लिए वो तैयार नहीं है, दैन इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज एंड डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TPM. खाली मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन से लेकर आने से काम नहीं चलेगा. TPM इज़ नॉट अ क्विक फिक्स अप्रोच, जैसा मैं कह रहा हूँ, इट इन्वॉल्व कल्चरल चेंज टू द वेज वी डू थिंग्स. सो ऐसा नहीं है कि आज कहा और झट से अप्लाई कर लिया, विद इन अ मंथ यू आर एबल टू अप्लाई TPM. इट नीड्स टाइम एंड इट नीड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर कल्चरल चेंज. पीपल जनरली कंसिडर्ड एज एडिशनल वेस्ट, एडिशनल हैजार्ड टू देम. उनको लगता है कि TPM इम्प्लीमेंट करेंगे देन वॉट वी हैव टू डू, क्या हम लोगों से इंडस्ट्री ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट हमसे कुछ इसमें इन्वॉल्व करने के लिए कुछ मांग ले. सो दे कंसिडर्ड इट एज अनदर एडिशनल हैजार्ड. आई होप दिस लेक्चर इज़ वेल क्लियर टू यू. एन्जॉय द लेक्चर सीरीज. थैंक यू फॉर लिसनिंग.